हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सब करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है लिया गया है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से। तो इन सभी क्वेश्चंस में पहले पहले हम ये चेक करते हैं कि कौन से दो क्वांटिटी दी हुई है और उन दोनों में कैसा रिलेशन है, मतलब कि वो दोनों क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि बोला है कि इन ए हॉस्टल 75 स्टूडेंट्स हैड फूड प्रोविजन फॉर 24 डेज। तो देखिए, दो क्वांटिटी मिल गई हमें, एक मिल गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और दूसरा मिल गया नंबर ऑफ डेज, और ये दोनों क्वांटिटी जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं फूड प्रोविजन के द्वारा, लेकिन इनवर्सली रिलेटेड हैं या डायरेक्टली रिलेटेड हैं ये हमें चेक करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। इफ 15 स्टूडेंट्स लीव द हॉस्टल, अब देखिए यहां पर जो कंडीशन दिया हुआ है वो ऐसा दिया हुआ है कि हम पहले ही यदि निकाल दें इसमें से, पहले ही ये मैं सोचिएगा कि कुछ ये फूड प्रोविजन में से, मतलब कुछ फूड में से कुछ खा लिए होंगे तो कुछ कम हो गया होगा, उसके बाद से 15 स्टूडेंट्स यदि हॉस्टल छोड़ते हैं तो क्या होगा, ऐसा मत सोचिएगा। ये बिल्कुल प्योर क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि 75 स्टूडेंट, पहला कंडीशन दे दिया है कि 75 स्टूडेंट्स यदि हैं तो फूड जो है लास्ट करता है 24 डेज के लिए, ठीक है। और फिर कह रहा है दूसरा कंडीशन ये दे रहा है कि 15 स्टूडेंट्स यदि लीव कर जाते हैं, मतलब उसी दिन पहले दिन जब से स्टार्ट हो रहा है वहाँ रहना उन लोगों का, उसी दिन से 15 स्टूडेंट्स चले जाते हैं तो फॉर हाउ मेनी डेज वुड द फूड प्रोविजन लास्ट, तो कितने दिन तक लास्ट करेगा, मतलब 24 डेज तो करेगा नहीं, 15 लोग छोड़ दिए तो थोड़ा ज़्यादा दिन जाएगा, है कि नहीं। तो वही हमें समझना है, तो पहले हम लिख लेते हैं थोड़ा कुछ, तो जो नहीं पता हमें उसको पहले मान लेते हैं। तो बोला है हाउ मेनी डेज, तो उसी को मानेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं लेट दे नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड फॉर द प्रोविजन ऑफ कितने, देखिए यहां पर अब 15 स्टूडेंट्स लीव कर गए ना, तो 75 में से अब 15 कम हो गए, मीन्स अब 75 माइनस 15 मीन्स अब हो गए 0 और ये हो गए 6, 60 स्टूडेंट्स हो गए टोटल। तो फॉर द प्रोविजन ऑफ 60 यहां पर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स बी एक्स डेज, राइट। दूसरे वाले कंडीशन में आपको निकालना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कितने बचे, अब उतने कितने दिन तक में खत्म कर देंगे फूड को, ये आपको निकालना है। तो यहां पर क्लियर हो गया हर चीज, है कि नहीं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों क्वांटिटीज का टेबल बनाएंगे। तो वी हैव ओके, तो अब मैंने यहाँ पर टेबल बना लिया है। देखिए दो क्वांटिटी जिसमें जो हम ढूंढ रहे थे वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फर्स्ट वन, एंड सेकंड क्वांटिटी है नंबर ऑफ डेज, और ये दोनों जो है रिलेटेड हैं इनवर्सली या डायरेक्टली अभी पता करते हैं। तो देखिए पहली बार दिया है कि 75 स्टूडेंट्स 24 डेज में जितना भी फूड है उस हॉस्टल में वो खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है, 24 डेज में। अब ये बताइए जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या जो है बढ़ेगी, इंक्रीज करेंगे, तो नंबर ऑफ डेज जब वो फूड खत्म कर देंगे क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यदि बढ़ते हैं तो ये 24 डेज में नहीं बल्कि और ये कम दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ेगा ना, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए घटा है क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यदि डिक्रीज कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज वो खाना खाने के लिए जो फूड है वो कंज्यूम करने के लिए जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, कब, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज हो जाएंगे, तो ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये क्वांटिटी जब इंक्रीज हो रही है तो ये क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये दोनों जो है इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन से सॉल्व किया जाएगा। तो अभी हम फिलहाल में यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं जो भी हम यहाँ पर डेटा पाए हैं। तो यहाँ पर पहली बार दिया है 75 स्टूडेंट्स, तो लिख लेंगे 75 स्टूडेंट्स है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 75, तो इतने लोग नंबर ऑफ डेज कितना लग रहा है फूड कंज्यूम करने में, तो 24 डेज लिख लेंगे, 24 डी लिखने का मतलब डेज हो गया, ठीक है, शॉर्टकट में। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें क्या लिखेंगे, अब यहां पर लिखने के लिए यहां पर मैंने निकाला हुआ है, ठीक है, क्योंकि 15 स्टूडेंट्स लीव कर गए ना तो बचे कितना, 60 बचे हैं, तो 60 लोग अब कंज्यूम करेंगे ना फूड को, इसलिए हम 60 लिखेंगे, 60 स्टूडेंट्स बचे। अब इतने के लिए हमने माना है कि एक्स डेज में खत्म कर देंगे, ओके यहां पर यदि मैंने डेज लिख दिया तो यहां पर लिख देते हैं डेज, ओके।
अब जो है हम यहां पर ले सकते हैं कि वी नो दैट, वी नो दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। सो अब ध्यान दीजिएगा, अब हम यहां पर सोचेंगे कि प्रिंसिपल क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन का, क्योंकि सॉल्व करना अब है। तो जब देखिए दो क्वांटिटी जब इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे तो उन दोनों क्वांटिटीज का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब जो प्रोडक्ट होगा, वो इस केस में इक्वल होगा। मतलब 75 को मल्टीप्लाई करेंगे दी 24 से, 75 × 24, तो ये इक्वल आएगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, मतलब 60 × x। तो ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। तो दोनों केसेस जो हैं प्रोडक्ट करने पर इक्वल आने चाहिए, यदि दोनों क्वांटिटीज जो हैं इनवर्स प्रोपोर्शन में हैं। तो अब इतना मिल गया हमें, ये इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी और यहां से हम निकाल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा 75 × 24 डिवाइडेड बाई 60, है कि नहीं, 60 से डिवाइड हो जाएगा ना नीचे, क्योंकि तो ट्रांसपोज करेंगे, तो यहां पर एक्स में यदि मल्टीप्लाई किया गया है तो डिवाइड में चला जाएगा। ओके, अब यहां पर हमें कैंसिल आउट करना है, तो पहले हम कैंसिल आउट करते हैं 6 से। ओके, 6 × 1 = 6, 10 हो गया, 6 × 1 = 6, 10, और यहाँ से 6 × 4 = 24, राइट। अब ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 एंड 2 × 5 = 10, राइट, 5 × 5, और यहाँ पे हो जाएगा 5 से तो 15, 5 जो होता है 75, और 15 × 2 क्या हो जाएगा 30, तो मिल गया हमें 30 डेज। आप लिख सकते हैं आंसर में, हैंस द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर द फूड प्रोविजन ऑफ 60 स्टूडेंट्स इज 30 डेज। ओके, तो ये आपका आंसर है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, और यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यदि नहीं डाउट है तब भी आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए, ताकि मेरे लिए सपोर्ट रहे आपका, और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो चलाता रहूँ। चलिए मिलते हैं आपसे सेकेंड वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।